रूस यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से जंग जारी है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन अभी जंग खत्म करने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन है जो पुतिन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने अब तक अपने सैन्य हथियारों और सैन्य क्षमता को काफी अपग्रेड किया, जिससे वह यूक्रेनी क्षेत्रों में और ज्यादा घातक तबाही फैला सके। यूक्रेन में हमेशा से ही रूस जीत की प्रबल दावेदारी करता आया है। हालांकि यूक्रेन भले ही अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो जैसे सहयोगियों की मदद के बल पर रूस से युद्ध जारी रखे हुए है, लेकिन अब युद्ध में रूस का मुकाबला करने के लिए न तो यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह से ट्रेंड है और न ही उनके पास पर्याप्त हथियार है। इस कड़ी में अमेरिका की $61 बिलियन की सहायता मददगार तो साबित होगी, लेकिन जंग में रूस की आक्रामकता को देखते हुए यूक्रेन के सैनिकों में कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी जरूर है, क्योंकि यूक्रेनी सेना रूस के आगे टिक नहीं रही है। इसी कड़ी में जंग में अपनी धमक बढ़ाने के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐसी वीडियो शेयर किया है, जिसे देख यूक्रेन और सहयोगी देशों की टेंशन हाई हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के साथ जंग के दौरान पहली बार FAB-3000 ग्लाइडिंग बम का वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बम को रूसी वायुसेना ने सुखोई SU-34 जेट से एक यूक्रेनी शहर पर गिराया, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी इन नए हथियारों के खिलाफ बेकार है। दरअसल रूस के एक SU-34 बम वर्षक पायलट ने इस बात का दावा किया है। इसके साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि FAB-3000 में ऐसी लड़ाकू शक्ति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बता दें कि FAB-3000 सोवियत काल का एक पुराना बम है, जिसे रूस ने नए गाइडेड सिस्टम के साथ आधुनिक बना दिया है, जिससे काफी दूर से सटीक हमला करना संभव हो गया है। रूस अब इस बम का इस्तेमाल यूक्रेन में धड़ल्ले से कर रहा है, और ये बम जहां गिरता है वहां सिर्फ राख ही बचती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पश्चिमी खेमे में रूस के इस हथियार से खलबली क्यों मच गई है। FAB-3000 बम में नया गाइडेड सिस्टम लगाया गया है। ये पुराने बमों की तरह सीधे नहीं गिरता है, बल्कि हवा में तैरते हुए टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसमें नया यूनिफाइड मॉड्यूल ऑफ प्लानिंग एंड करेक्शन लगाया गया है, जो कि एक नेविगेशन सिस्टम वाला पंख है, और ये बम को हवा में दिशा और गति देता है। इसे काफी दूर से सटीक हमले किए जा सकते हैं। FAB-3000 ग्लाइड बम 50 से 60 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्यों को भेद सकता है। इस बम का वजन 3000 किलोग्राम होता है। ये बम करीब 13.8 फीट लंबा है और 2.1 फीट चौड़ा होता है। इस बम में करीब 1400 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव भरा होता है, जिससे धमाके से होने वाली तबाही का दायरा काफी बढ़ जाता है। इस बम की एक खास बात है कि ये किसी भी इमारत, किला या बख्तरबंद इलाके को मिट्टी में मिला सकता है। ये बम कितनी भी मोटी दीवार को तोड़ सकता है, जमीन के नीचे मौजूद सुरंगों में छिपे दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। जब ये बम फटता है तो इसकी केसिंग फट जाती है, और इसके साथ ही हाई वेलोसिटी फ्रेगमेंट्स बहुत बड़े इलाके में फैलते हैं। ये बम जहां गिरता है वहां पल भर में सब कुछ खाक हो जाता है। रूस के इस घातक हथियार के इस्तेमाल के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़नी तय है। ऐसे में यूक्रेन को हर तरह से मदद करने वाला अमेरिका अब ज़ेलेंस्की के लिए कौन सी ऐसी तिकड़म लगाएगा, जिससे वो इन घातक रूसी बमों से अपने देश की रक्षा कर सकेंगे। इस जंग में हथियारों ने काफी अहम रोल अदा किया है, क्योंकि ये आधुनिक हथियार ही थे जिसने यूक्रेन को इतने लंबे समय तक रूस के सामने जमाए रखा। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए अब पश्चिमी खेमा कौन सी नई चाल चलेगा।